राजधानी दिल्ली सहित भारत के कई राज्य जहां एक ओर भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, तो वहीं भारत के उत्तर पूर्व में स्थित असम में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। असम में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचवाई कि अब तक 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाढ़ के कारण 300 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 15 जिलों के करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। असम में बाढ़ के बाद मौजूदा हालात कैसे हैं, किन जिलों में कैसी स्थिति है और कहां ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। असम में बाढ़ के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हेलकंडी जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की जान चली गई। ASDMA बाढ़ रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की बाढ़ में अब तक राज्य में 26 लोगों की जान चली गई। करीमगंज जिले में बाढ़ की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। बाढ़ के कारण यहां करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, जिनमें 41,000 से ज्यादा बच्चे शामिल है। 15 बाढ़ प्रभावित जिलों में 28 राजस्व सर्कल के अंतर्गत 470 गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के पानी के 11 जिलों में 1378.64 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। 15 जिलों में 93,895 पालतू जानवर भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले 15 जून को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन और काजीरंगा अधिकारियों के साथ बैठक की। खासकर बाढ़ के मौसम के दौरान सीएम ने संबंधित पदाधिकारियों के सभी आवश्यक कदम उठाने और प्रतिक्रिया प्रणाली को बढ़ाने को कहा। बैठक के दौरान असम के सीएम ने घोषणा की कि काजीरंगा में 3 नई कमांडो बटालियन तैनात की जाएगी। उनका मिशन राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते समय जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और शिकारियों को बाढ़ की स्थिति का फायदा उठाने से वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि बाढ़ के मौसम के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक नई बटालियन के लगभग 600 कर्मियों को भी सेवा में लगाया जाएगा। उम्मीद है असम में बाढ़ के कारण पैदा हुए हालातों पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा और जल्द से जल्द प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।